मुरादाबाद शहर निवासी कुणाल अरोड़ा ने थाईलैंड में आयोजित पैरा टेबल टेनिस ओपन 2022 नॉकनोच पटाया में सिल्वर पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया है। बीती 18 से 21 अगस्त तक आयोजित टूर्नामेंट में भाग लेकर भारत के लिए विक्स डबल्स में अपनी पार्टनर बारबी मूर्ति जयदेव के साथ खेलते हुए मुखर्जी जगन्नाथ और पूनम को 11-6, 11-1 और 11-6 से हराकर 3-0 से मुकाबला जीतकर और फिर अगले राउंड में कजाकिस्तान के ऑरजबेक अजामत और उनकी पार्टनर बदुओवा एल्दाना को कड़े मुकाबले में 3-2 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं उन्हें फाइनल में कड़े मुकाबले में पहला सेट 15-13, दूसरा सेट 11-1 और तीसरे सेट में 11-8 से हार मिल गई। भारत के लिए सिल्वर पदक हासिल उन्होंने कर लिया। साथ ही इस टूर्नामेंट में कुणाल अरोड़ा ने सिंगल्स में अपने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए जापान के खिलाड़ी को पहले सेट 11-9, दूसरे सेट 13-11, तीसरे सेट 5-11 और चौथे सेट 11-7 से जीतकर 3-1 से मुकाबला जीता और सेमीफाइनल में कड़े मुकाबले में कुवैत के खिलाड़ी से 0-3 से उन्हें हार मिली। पुरुष डबल्स में भी अपने पार्टनर के साथ हांगकांग की टीम से पहला राउंड जीता और दूसरे राउंड में कड़े मुकाबले के पश्चात इजराइल की टीम से उन्हें हार मिली। आपको बता दें कि अपने शानदार खेल से एक बार पुनः कुणाल ने देश का नाम रोशन कर दिया है। गौरतलब है कि इस समय कुणाल पिछले एक साल से पिनाकल टेबल टेनिस एकेडमी के मुख्य कोच के मार्गदर्शन में अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुणाल अरोड़ा ने अपनी जीत का श्रेय अपने माता पिता को दिया है। इससे पूर्व कुणाल 4 बार नेशनल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल कर चुके हैं और 5 बार अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत की टीम से खेल चुके हैं। साथ ही साथ उन्होंने चीन और इजिप्ट में भी कांस्य पदक जीते हैं। अब तक कुणाल भारत की ओर से जॉर्डन, चीन, थाईलैंड, इजिप्ट एवं पटाया में भाग लेकर देश का नाम रोशन कर चुके हैं। आपको जानकर हैरानी हो जाएगी कि कुणाल अरोड़ा बचपन से ही थैलेसीमिया जैसी घातक बीमारी से जूझ रहे हैं। इस बीमारी से जूझते हुए उन्होंने टेबल टेनिस में अपनी कड़ी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है, जबकि किसी भी टूर्नामेंट में खेलने से पहले उनको 2 यूनिट खून चढ़ाना पड़ता है। इस घातक बीमारी की वजह से ही हर 15 दिन में रेड क्रॉस सोसाइटी से खून लेकर दिल्ली के हॉस्पिटल में 2 बोतल खून चढ़ाया जाता है। लेकिन कुणाल ने ये ठान लिया है कि अपने मजबूत इरादों और कड़ी मेहनत से टेबल टेनिस में देश का नाम रोशन करेंगे और वर्ष 2024 ओलंपिक गेम में पदक जीतना उनका मुख्य लक्ष्य है।